नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं NBC न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कानोता थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्लाइंडर मर्डर केस में खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व अभिजीत सिंह ने बताया कि राशि वर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के सुपरविजन में सुरेश सांकला, सहायक पुलिस आयुक्त बस्सी जयपुर के नेतृत्व में थानाधिकारी थाना कानोता धीरेन्द्र सिंह शेखावत, विक्रम सिंह राठौड़ एवं पुलिस टीम द्वारा 7 माह पूर्व ब्लाइंडर मर्डर पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि संदिग्ध आरोपी मोहित मीणा, कैलाश चंद मीणा, गंगापुर सिटी के आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ मारपीट के व आर्म एक्ट के आधा दर्जन मामले गंगापुर सिटी, कोतवाली, सदर व वाजीपुर थानों में मामले दर्ज हैं। ये हमारे पास 18/7/2020 में एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जो कि रामकिशोर शर्मा ने अपने छोटे भाई के सुबोध कुमार शर्मा के मर्डर के बारे में बताई थी। उसके अनुसार सुबोध कुमार शर्मा जो है वो सपना मीणा के साथ रिलेशन में था और काफी लंबे समय से सपने मीणा के साथ में रह रहा था, और उसका आरोप था कि उसकी भाई की किसी ने हत्या करके उसको जो है पेड़ पर लटका दिया। ये घटना केशव विद्यापीठ जामदोली चौराहे के पास बदरपुरा रोड की है। इसमें जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने भी देखा कि वो आदमी जो है उसके पैर जमीन से छू रहे थे, उसके पैरों पर चोट थी, उसके शरीर पर चोट थी और जो है खून भी बह रहा था। तो इसको उस समय पर मर्डर में दर्ज किया गया था, लेकिन ये एकदम ही ब्लाइंड केस था, इसमें कोई भी क्लू पुलिस के पास नहीं था। इसमें CP साहब के निर्देश में और नामा साहब के डायरेक्शंस में हमें काम करते हुए हमने दोबारा से एक टीम का गठन किया। हमारी टीम जो है एडिशनल SP साहब के सुपरविजन में काम कर रही थी, और इसमें हमारे लीडर ACP बस्सी और हमारे अनुसंधान अधिकारी SHO बस्सी साहब, उन्होंने जो जो उसमें इनके रिश्तेदार थे उनको दोबारा से पूछताछ की, मौके पर गए और उनके गांव में गए, गांव के लोगों से पूछताछ की। इसमें सपना मीणा के लड़के मोहित मीणा, जो कि 19-20 साल का है, उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ और उसने जो है इस क्राइम को कन्फेस किया। उसने बताया कि उसकी मदर का रिलेशन जो है वो सुबोध के साथ में था, और सुबोध जो है एक रात को दारू पीकर उसकी माता जी के साथ मार पिटाई कर रहा था। इसमें मार पिटाई के समय में उसने जो है, क्योंकि उनकी माता जी थी और उसके साथ मार पिटाई हो रही थी, तो वो भी आवेश में आया, तो उसने बीच बचाव किया तो सुबोध ने उसकी भी पिटाई की। सुबोध ने उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाया और मोहित ने अपने दोस्तों को बुलाया और सुबोध के साथ में फिर मार पिटाई हुई। इसी बीच में जो सुनीता सपना मीणा थी, सपना मीणा ने अपने पूर्व प्रेमी रवि गुजर को फोन करके बुलाया। रवि गुजर अपने साथ में उनके परिवार के, सपना मीणा के परिवार को लेके, उसके भाई को लेके, उसके माता पिता को लेके बुलेरो गाड़ी से आया, और उसके बाद घर पहुंचे। उस समय तक वहां पर सुबोध नहीं था, और वहां आने के बाद सुबोध की तलाश की। सुबोध की तलाश करने के बाद बयान अनुसार उसको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में जो है उसका गला दबाकर रवि गुजर ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसको जो है वो गाड़ी में थोड़ी देर घुमाते रहे, इसके बारे में काफी सोचा कि क्या कहते हैं, और उन्होंने प्लान बनाकर मोहित को रास्ते पे उतार दिया कि आप रास्ते पे रहे, कोई आए जाए ना, उसकी नजर रखें, कोई इस तरफ ना आए, और उन्होंने उसके बाद में उसको पेड़ पर लटका दिया। इसके बाद में ये लोग जो है रात में ही अपने घर चले गए इस जगह को छोड़ते हुए, और अपने पूरे घर
इसमें मोहित के बयान के अनुसार ही इसका खुलासा हुआ है। उसके बाद इसमें गाड़ी भी जब्त हुई है और उनके कॉल डिटेल विश्लेषण से पता चला कि वो लोग रात्रि में बात थी है भूमिका हमारे एसीपी बस्सी साहब की और एसएचओ कानूता साहब की रही। उन्होंने इस प्रकरण में काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लंबे समय से इस ब्लाइंड मर्डर केस को खोलने की जो उनकी मेहनत थी वो फाइनली जो है सफल।